खुदाबाद गोंडा की करेंगे, जहां पर नगर पंचायत कटरा बाजार प्रत्याशी के पति विजय प्रताप सिंह उर्फ तिरप्पन सिंह ने सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रशासन के द्वारा चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगा दिया। प्रत्याशी पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी विधायक अपने भाई बावन सिंह और उसके ब्लॉक प्रमुख पुत्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उसके पुत्र समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए कमजोर प्रत्याशी को भाजपा का टिकट दिलाया, जिसका समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीत सके। तिरप्पन सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव मेरी पत्नी कमलेश सिंह जीत रही है और इससे घबराकर मुझे और मेरे भाई विष्णु प्रताप सिंह सहित तमाम दर्जनभर समर्थकों को नजरबंद किया गया है। मिली है, हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। किसका? तिरप्पन सिंह का। तो इसमें समस्या ये आ रही है कि लगभग इनका चुनाव फाइनल हो चुका है, अब लोग चाहते हैं कि चुनाव सुबहती जीत जाए, इसलिए हम लोगों को नोटिस दी गई है। 10-12 लोगों को मिली है, जितने कार्यकर्ता हैं सबको नोटिस दे दी गई। हम तो ये चाहते थे कि हम लोगों को जेल भिजवा दें। आप कहना नोटिस का क्या मतलब है? आप कहना ये चाह रहे हैं कि नोटिस लेकर समर्थकों को डिस्टर्ब करने डिस्टर्ब किया गया है जी, कि ये प्रचार न कर पाए और दूसरा चुनाव जीत जाए। जी आप बता रहे हैं कि सुबराती चुनाव जीत जाए, ये क्या मामला है? मतलब ये मामला आपको बता रहे हैं, पूरे 5 साल जो इस समय वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी है, एक जियाउल हक शाह है वो भी प्रत्याशी है जनरल, उनको सुबह बुला करके कंप्लेंट करवाते थे और रात में चेयरमैन साहब मिल लेते थे। तमाम करोड़ों का घोटाला किए हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई 5 साल सत्ता पक्ष लोगों ने नहीं होने दिया। आज वो फिर चुनाव लड़े तो उनकी मंशा यह है कि वही सुबराती जी अगर चेयरमैन बरकरार रह जाएंगे तो 5 साल उनको दुआ खाया जाएगा, उनकी रोजी चलती रहेगी, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से तिरप्पन सिंह जी को हराने के लिए नोटिस जारी की गई है कि उनके सभी कार्यकर्ता रजिस्टर हो जाएं और सुबराती चेयरमैन हो जाए। क्या मानते हैं ये नोटिस किसकी तरफ से साजिश करके दिलवाई गई? सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष यानी कि आप मौजूदा विधायक के ऊपर? अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से नोटिस जारी हुई है। उनके जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, पता कर लीजिए क्या उनको, उनके लोगों को भी कोई नोटिस मिली है? उनके तो पता के लिए मिली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पूछ लीजिए, किसी को नोटिस नहीं मिली है, केवल तिरप्पन सिंह के कार्यकर्ताओं को नोटिस दी गई है। क्यों लगता है कि केवल तिरप्पन सिंह के लोगों को नोटिस? ये चुनाव जीत रहे हैं इसलिए इनको हराने के लिए साजिश की जा रही है। सभी वरिष्ठ जनों को ही ऐसी नोटिस मिली है? जितने मेन खास कार्यकर्ता है उन्हीं को मिली है।